नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से भारत में पाए जाने वाले विभिन्न जातियों के इतिहास और उनसे जुड़े हुए तथ्यों को समाज के सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो इस कड़ी में आज हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके पास खटिक समाज की उत्पत्ति और उससे जुड़े हुए तथ्यों का पार्ट टू। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं खटिक समाज की जातियों के इतिहास पर प्रकाश डालूं, कुछ चीज़ें बहुत क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि जो कुछ कमेंट आ रहे हैं मेरे चैनल पर उनका जवाब देना बहुत ही ज़रूरी समझता हूं मैं। मेरे कुछ मित्र कमेंट करके मुझे बता रहे हैं कि मैं समाज के जातियों का इतिहास को उद्धृत करके समाज में दुर्भावना फैला रहा हूँ या फिर समाज को तोड़ने का काम कर रहा हूँ। मैं उन मित्रों को जवाब देना चाहता हूँ कि यदि हम अपने इतिहास को ही नहीं जानेंगे या कोई भी मनुष्य या कोई भी जाति या कोई भी व्यक्ति यदि अपने इतिहास को नहीं जान पाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो आगे अपने भविष्य में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएगा। यही हमारी कमी रही है, क्योंकि हमारे जातियों के इतिहास से संबंधित तथ्यों को अंधकार में रखकर और बहुत सारी कुरीतियों को हमारे हिंदू समाज से जोड़ दिया गया। तो मित्रों, मेरे चैनल और मेरी टीम का सिर्फ ये कार्य है कि हम उस स्वर्णिम इतिहास को उजागर करें और आपको जितने भी वीडियो मिले होंगे वो इतिहास से संबंधित वीडियोज रहे होंगे और उनमें जो तथ्य बताए गए होंगे उन तथ्यों का कार्य सिर्फ आपके स्वर्णिम इतिहास को उजागर करना है। तो यदि हम और आप मिलकर ये देखें कि खटिक समाज भी समाज से थोड़ा सा जोड़ तोड़ कर इधर उधर, ये एक विखंडित सा एक परिवार है हमारा, एक समाज से हमारे दूर है, तो इन भाइयों के बारे में भी चर्चा करना हमारा एक कर्तव्य बनता है जनहित में। तो मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे कि पिछली बार जो मैंने सुअर पशुपालन या फिर बकरी पालन की जो बात बताई है इनको अभद्रता की, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम अभी जिस इतिहास की बात कर रहे हैं वो पूर्व वैदिक काल का इतिहास है, क्योंकि ये भारत का इतिहास 5194 साल पहले का कैलेंडर अभी तक यहाँ पर मौजूद है। तो हम बड़े गर्व से ही कह सकते हैं कि हमारा इतिहास काफ़ी पुराना है और उस इतिहास के पुराने पन्नों में जब हम दाखिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पूरा पाषाण काल या पूर्व वैदिक काल की बात होगी और वहाँ पर पत्थरों से बने हुए हथियारों का प्रयोग, पशुपालन, कृषि, इसमें कोई असम्मान या गैर सम्मान की बात नहीं है या किसी को मतलब हे दृष्टि से देखने की कोई बात नहीं की जा रही है। तो दोस्तों, आज ही हम एक ऐसे योद्धा समुदाय की चर्चा कर रहे हैं जो लगातार समाज से अलग थलग पड़ा रह गया, और आप जानिए कि जो ये समाज था वो अक्सर आपको शहर में भी कोतवालियों के आसपास बसा हुआ मिलेगा या फिर गांव की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं चौकी के आसपास इन समाज के लोगों को आप देख सकते हैं। तो ये वही भाई हैं हमारे जिन्होंने आक्रांताओं के खिलाफ हथियार उठाए और हथियार उठाने के पश्चात आक्रांताओं ने इनको युद्धबंदी या युद्धद्रोही के रूप में देखा और इनको अपनी चौकी के आसपास ही बसाए रखा। तो मित्रों, ऐसे में जब आक्रांता चले गए, आज हम 1947 के बाद भारत आज़ाद है, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे खटिक भाइयों या ऐसे समाज के लोग जिनको पुराने इतिहास में आक्रांता बताया गया या उनको उद्दंड बताया गया, उनको फिर से समाज में जोड़ने का एक प्रयास किया जाए। तो मैं वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और मेरी टीम लगातार इस समाज को अपने लगभग भारत में पाए जाने सभी जातियों को जिनका अनदेखा किया गया और जिनको असम्मान की दृष्टि से देखा गया या जिनको नीचे बताया गया, उनके स्तर की ओरिजिनल वास्तविकता, जैसे कि वर्मा कुर्म क्षत्रिय के बारे में हमने अपना इतिहास दिखाया और हमने कोशिश की कि हम चमार जाति के इतिहास पर भी प्रकाश डालें, अन्य जातियों पर भी प्रकाश डालते हुए हम चले आए। तो खटिक समाज वो योद्धा रहे हैं जिन्होंने सीधे आक्रांताओं का मुकाबला किया है और उस मुकाबले की वजह से ही इनको युद्धबंदी के तौर पर रखा गया और इनको समाज से आक्रांताओं ने ही काट दिया। और क्या हुआ कि उसके बाद ब्रिटिश के लोग आए, उन्होंने भी इनकी वही हालत रखी जो उस समय के आक्रांताओं ने रखी थी। तो हम आप अगले पार्ट में इनसे जुड़े हुए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी क्या स्थिति है और इनसे जुड़े और तथ्यों को भी उजागर करते चलेंगे। तब तक के लिए मैं वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।